शिवपुरी में दलित परिवार पर हुए लाठी डंडों से हमले के मामले के बाद एफआईआर में धारा बढ़ाने को लेकर भीम आर्मी जिला शिवपुरी ने एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा है। भीम आर्मी शिवपुरी के द्वारा एसपी के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ग्राम टोका निवासी कल्ला जाटो और उसकी मां धनोबाई पर हुए जानलेवा हमले में धनोबाई को कई जगह फ्रैक्चर हुआ है, जो कि जांच में पता चला है। इस मामले में एफआईआर में धारा 307 बढ़ाने को लेकर आज एसपी ऑफिस में भीम आर्मी के द्वारा नारेबाजी कर एक ज्ञापन सौंपा गया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। भीम आर्मी के कुछ लोग आए थे कुछ मामलों को लेकर, किस तरह के मामले हैं और किस तरह के अन्याय की बात कर रहे हैं? को लेकर ही आए थे थाना चरसौर में टोका गांव में, वहाँ यादव और जाटवों में विवाद हुआ, उस पर प्रकरण पंजीबद्ध है। इनकी डिमांड ये है कि उसमें धारा 307 इजाफा की जाए, उसके लिए हम डॉक्टर से क्वेरी करवाएंगे, यदि डॉक्टर सपोर्ट करते हैं तो हम धारा 307 बढ़ा देंगे। जी सर, ये दूसरा मामला भी एक था कोई आदिवासी का, वो किस तरह? ये बैराड़ का है, वहाँ प्रकरण पंजीबद्ध है। इनका कहना ये है कि राजनामा के लिए दबाव बना रहे हैं, तो वो मैं देखवाता हूँ। जी थैंक यू सर। देश के लोगों को शिवपुरी बुलाया जाएगा, हो सकेगी चक्कर जाम से निकल किसी प्रकार से हमारे एक प्रयास से बीमारी के तो पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके। और जिस प्रकार से आपको पता है कि रामनगर गदाई में कांड हुआ था, जिसमें यादव जी को दो चोटें आई, दो टाँके आए थे सिर पर पत्ता लगने, लेकिन 300 दर्ज हाल के हाल जो 307 की जो मुकदमा है वो हाल के हाल दर्ज किया गया था, लेकिन आज पीड़ित परिवार के साथ साथ पाँच लेक्चर होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन कोई मदद नहीं कर रहा है। और ऊपर से जो आरोपी पक्ष हैं उनको अस्पताल में जाकर पीड़ित परिवार को धमकाया जा रहा है, इस प्रकार के जो व्यवहार है और पुलिस की जो कार्यशैली है जो उस पर भी एक सवाल खड़े होते हैं। इसको लेकर हमने सरकार को और सरकार के माध्यम से पुलिस प्रशासन को एक आवेदन दिया है, जिसमें 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। आर्मी ने एक प्रदर्शन यहाँ पर किया है, किस तरह का एक प्रदर्शन है और क्यों इस प्रदर्शन की जरूरत पड़ गई भीम आर्मी को? देखिए, आज से 2-3 दिन पहले पौड़ी विधानसभा के सिरसौर गांव के टोकरा गांव में एक कल्लू जाटव और उसकी मां धन्नूबाई के साथ में कुछ यादव लोगों ने मारपीट की थी, जिनमें कल्लू जाटव के पैर में 5 जगह फ्रैक्चर है और धन्नूबाई के भी फ्रैक्चर है, और उनके साथ में अभद्रता की गई, इतना ज़्यादा मारा गया है कि उनका अभी बहुत गंभीर हालत है आज की तारीख में और उनका इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ हम इसलिए आए हैं कि कल्लू जाटव की जो फरियाद थी, जो FIR थी, उसमें 7 धाराओं का इजाफा लगा के उसको FIR को केवल लेना सूचीबद्ध कर लिया, उसमें जो चोट आई है उसके आधार पर 307 की धारा कायम नहीं बनती है, वो पुलिस के साथ नहीं की है। इसलिए हम बीमारी और आज समाज पार्टी के लोग आज SP ऑफिस में बाहर लगाने आए थे कि जो धारा बनती है उसको बाजे उस पर कायम की जाए, धारा बढ़ाई जाए। अभी हमने सुना है कि 325 की कायम में धारा बढ़ाई गई है, लेकिन वो भी वाजिब नहीं है। जब धारा पैर फ्रैक्चर है 5-5 जगह से एक व्यक्ति को, तो 307 तो बनती है, तो इसलिए हमने SP साहब से बोला नहीं। जैसे पुलिस बता रही है कि उनके फ्रैक्चर है, तो उन धाराओं में 325 की धारा में कायम कर ली गई है फ्रैक्चर को। देखिए सर, हम ये कह रहे हैं कि कहीं एक छोटा सा पत्थर सर में लग जाता है और 2 टाँके आ जाते हैं किसी व्यक्ति को, और वो जाति सवर्ण जाति का होता है या अपर जाति का होता है, तो उस पर 307 धारा लगा दी जाती है हम लोगों के ऊपर। और जहाँ फ्रैक्चर है 5-5 जगह से और 2-2 आदमी चोटे लें जिनकी अस्पताल में स्थिति गंभीर है, तो वहाँ 307 क्यों नहीं लग सकती? इसलिए हमने पूछना चाहते हैं जाके प्रशासन से, और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को बढ़ाएं और कायम 307 की कराई जाए। अभी पुलिस ने किस तरह का आश्वासन आपको दिया? पुलिस तो वही आश्वासन देती है कि हम जाँच करा रहे हैं और कर देंगे, 307 बढ़ा देंगे, आश्वासन दिया है सामने। अगर 307 नहीं बढ़ती तो फिर किस तरह का प्रदर्शन आगे रहेगा आपका? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।